फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो कल हमने आप लोगों के साथ पेपलम की कटिंग की वीडियो शेयर की थी और अभी हम आप लोगों के साथ उसकी स्टिचिंग की वीडियो शेयर करेंगे। आधा तो मैंने स्टिच कर लिया पर आप लोग को समझा देते हैं क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, फ़ोन चार्जर में लगा था, अभी थोड़ा बहुत हो गया तो मैंने सोचा आधा इसी पर समझा दूँगी, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पेपलम काटना बहुत इजी है, सिर्फ 2-5 मिनट में कट जाएगा, 5 मिनट में आपका कट जाएगा और 10 से 15 मिनट में आप बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। और ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसको साड़ी पे, पैंट पे, धोती पे और जीन्स पे, किसी भी ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत स्टाइलिश लगता है। तो मैं आप लोग को एक बार फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो ये फैब्रिक है, आप लोग देख लीजिए, ये फैब्रिक है, ये रियॉन का है और ये 1 मीटर था। 1 मीटर में हम इसकी 30 इंच की पेपलम काटे हुए थे और कपड़ा डबल अरज का था। तो चलिए आप लोग को एक बार समझा देते हैं कि इसमें मैंने पहले क्या बनाया। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 पल्ला काटा हुआ था, इसकी मैंने प्लेट बना ली है, आप लोग देख सकते हो, इसे मैंने आधी आधी इंच की प्लेट बनाई हुई है और ये 15 इंच की है, 15-16 इंच की है ये, और ऊपर बॉडी है तो ये आप लोग देख लीजिए, ये 27 इंच की कमर है तो ये थोड़ा लूज है। अभी हम इसमें एक डॉट थोड़ी गहरी कर देंगे साइड साइड की, फिर ये आ जाएगा। तो पहले मैंने ऐसे जॉइन करके प्लेट बना लिया, 2 पल्ला है, 2 कपड़े हैं जॉइन मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने बॉडी तैयार की, बॉडी में पहले मैंने फ्रंट का वी गला था तो वी गला मैंने पैपिन से किया, आप लोग देख सकते हैं ये वी गला है, ये वी गला है और ये 6.5-7 इंच है। अभी मैंने प्रेस नहीं किया, प्रेस होगा तो बैठ जाएगा। और बैक का गला गोल था 2 इंच तक, ये ब्रॉडनेस है, ये डीपनेस है, आप देख सकते हैं, ये प्रेस होगा तो बैठ जाएगा। तो फिर मैंने शोल्डर ज्वाइन किया, पहले मैंने आगे का गला पैपिन से सही किया, फिर पीछे का, फिर शोल्डर मैंने ज्वाइन करके यहाँ मशीन चलाया। अभी ये ऐसे बन के तैयार है, अब इस पर हम घेरा ज्वाइन करेंगे। तो कैसे घेरा ज्वाइन करेंगे चलिए दिखाते हैं। इस कपड़े को आप ऐसे पलट लीजिए, पलटने के बाद इसमें फिटिंग, सबसे पहले फिटिंग लगा लेंगे और जिसका भी है आप फिटिंग लगाने के बाद एक बार ट्राई करवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस पर हम फिटिंग लगा लेंगे, माफ कर लेंगे कि कितना क्या है। तो हमें ये 30 से 32 इंच चाहिए, थोड़ा लूज ही ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए। देखिए 15 दूनी 30, 30 इंच, 31 इंच चेस्ट रहेगा। तो यहाँ भी हम इसको निशान लगा के माप लेंगे और सामने की तरफ हम थोड़ी सी छोटी छोटी डॉट डालेंगे। तो इसका 20 सेंटर ले लेते हैं डॉट के लिए, ये 20 है, ये 10 है, तो ये 20 का सेंटर हो गया, तो ये बीच का सेंटर हो गया। अब चलिए हम इसमें पहले एक डॉट डालते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो ये 20 सेंटर हो गया, आप ऐसे 20 सेंटर लगा सकते हैं, ये देखिए ये 20 सेंटर हो गया, ये हम नाखून से सही कर लेंगे और यहाँ से 3 इंच, क्योंकि छोटी बच्ची का है, छोटी क्या मतलब, और इसकी जो लेंथ है डॉट की 3 इंच हम रखेंगे, 3 इंच। यहाँ पे कैची से चक्का मार देंगे, अब यही चीज़ हम इधर भी कर लेंगे। ये तो सबसे पहले हम चलिए डॉट सिलते हैं, फिर फिटिंग लगाते हैं और फिर घेरा ज्वाइन करते हैं फटाफट। तो ये पहले फ्रंट का डॉट पकड़ेंगे, ये देखिए। तो यहाँ हम पहले आधा इंच, सिर्फ आधा इंच दबाएंगे, 1 इंच टोटल 1 इंच हो जाएगा। ये देखिए हमने आधा इंच दबाया, ये हमारी डॉट बन गई। ऐसे हम इधर भी बनाएंगे, ये भी हमारी डॉट बन गई, ये देखिए। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे, ये बहुत इजी है।
बैक पे भी पतली पतली डॉटें पड़ती है, नहीं तो कमर परफेक्ट नहीं आती। क्योंकि कमर के लिए अभी हम पीछे भी डॉट डालेंगे, बहुत पतली, थोड़ी लंबी रहेगी पर पतली रहेगी। ये हमारा बनके तैयार है और थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा शेप दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंची टेप से नाप लेंगे इसे कमर। तो कमर अगर परफेक्ट आती है तो हम पीछे डॉट नहीं डालते, वैसे जल्दी आती नहीं है। ये देखिए 30 है, हमें सिर्फ 28 चाहिए। तो एक पतली सी डॉट, बहुत पतली सी हम डालेंगे जिससे ये शेप में आ जाए। तो इसका 20 सेंटर, कोई भी आप 30 सेंटर ऐसे लगा सकते हैं। फिर ऐसे पकड़ के बहुत पतली सी डॉट आप यूँ पकड़िए, बहुत पतली सी डॉट है सिर्फ नाम मात्र के लिए। पर डॉट आगे पीछे देने से क्या होता है, शेप अच्छा आता है, आगे का भी और पीछे का भी कमर भी परफेक्ट मतलब पकड़ लेता है। तो ये हमारा तैयार हो गया। आगे की डॉट चौड़ी है, पीछे की डॉट पतली है। तो एक बार इसे हम पहना के देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे घेरा लगाते हैं। तो पहले पहना के देख लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो हमारा ये बॉडी तैयार हो गया, नीचे का घेरा तैयार, इधर देखो बॉडी तैयार हो गया, घेरा तैयार होगा। चलिए स्लीव्स दिखाते हैं। तो ये स्लीव्स है, ये 10 इंच की है और ये पाइपिंग है। देखिए इधर कॉट डोरी है, इधर फैब्रिक है, ये अम्ब्रेला कपड़ा होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कॉट डोरी कैसे बनती है तो आप हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, हमने इसकी ब्लॉग बनाई हुई है। तो हम ऐसे सीधा कपड़े को ऐसे पाइपिंग जो है वो इधर की तरफ रखेंगे और ऐसे लगाएंगे। ये मैंने सेट किया, देखिए गुड़िया को मैंने चेंज नहीं किया है, आप देख सकते हैं वही है, बस मैंने सुई को सेट किया हुआ है। तो मैं कभी चेंज नहीं करती, मेरा हाथ सेट है इस पर। तो आप लोग देखिएगा बहुत ईजी होता है ये। तो ये देखिए इसे हल्का सा, ये जो ऊपर का कपड़ा इसे हल्का सा आपको खींचना पड़ेगा, नहीं तो लूज आता है। और ये देखिए इस कपड़े को नहीं, ऊपर का जो कपड़ा इसे थोड़ा सा खींचना पड़ता है। और ये फैब्रिक है, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से। ये देखिए ये देखिए कुछ ऐसे बनेगा, ये पाइपिंग है और अभी ऐसा था, अभी ये ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा, ये बैक साइड होगा और ये फ्रंट। हम पूरा बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमारी दोनों स्लीव बन के तैयार है, पाइपिंग एक्स्ट्रा थी। तो ये दोनों स्लीव्स है, एक ये है एक ये है, इसे हम 20 से चाहे काट दीजिए, दोनों साथ में आप सिल सकते हैं। तो इसे पीछे की तरफ पलट लीजिए और धागा चेंज किया जाता है, पर मैंने धागा नहीं चेंज किया। आप ऊपर वाइट लगा सकते हैं, घर की ड्रेस है इसलिए मैं बना ले रही हूँ, कस्टमर का नहीं बनाती हूँ ऐसे। ये देखिए और ये बहुत फिनिशिंग से बनती है कॉट डोरी, कॉट डोरी से पाइपिंग। आप लोग को दिखाते हैं, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये कॉट डोरी हो गया। तो चलिए अब सब चीज़ जोड़ के दिखाते हैं, इसमें लेस भी लगनी है। तो अभी मैंने ये नीचे सिलाई नहीं किया है तो इसे भी हम फोल्ड कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं। प्लेट बन के रेडी हो गई है, आप घेरा मतलब नीचे का, ये पूरी बॉडी बन के तैयार है, ये स्लीव्स बन के तैयार है। तो पहले पूरी बॉडी बन के रेडी कर लेते हैं, सिर्फ स्लीव लगा देंगे पूरी बॉडी बन के तैयार हो जाएगी। तो हम स्लीव्स ऐसे राउंड में लगाते हैं, फ्रंट का है और फ्रंट में थोड़ी सी मैंने कटिंग की है, ज़्यादा नहीं किया। तो ये मैंने थोड़ी सी कटिंग की और ये मैंने राउंड में
स्लीप लगाते हैं हम लोग, और लोग ऐसे सीधा लगाते हैं, पर वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। ये अच्छी फिटिंग आती है राउंड में, तो इसे हम राउंड में ही सी लेंगे। चलिए दोनों स्लीव्स लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये हमारा घेरा है और ये बॉडी है। तो ये मैंने सीधा किया, आप लोग देख सकते हैं घेरा है, इसे मैंने पहले ही मशीन से प्लेट बना लिया। और ये घेरा, ये देखिए सीधे की तरफ है, इसे ऐसे रखेंगे। और कोई कपड़े को खींचना नहीं है, खींचना नहीं है कि तान के करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। नॉर्मली दोनों को साथ में रखना है और ऐसे मशीन चलाना है। ये पूरा राउंड स्टिचिंग हो चुका है, ये लास्ट है। ये मेरा बन के तैयार हो गया, चलिए इसको सीधा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं एप्लम मेरा बन के तैयार है, देख सकते हैं। इसका जब प्रेस हो जाएगा तो ये और सुंदर लगेगा। चलिए पहन के दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये पैपलम बन के तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे अभी तो सलवार है, इसे हम जीन्स पे पहनेंगे। और इसका बैक आप लोग को दिखाते हैं। और इसका घेरा भी काफ़ी अच्छा, अभी प्रेस नहीं है, प्रेस होने के बाद ये और सुंदर लगेगा। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, और सिर्फ 1 मीटर कपड़े में बना हुआ है। तो इस पर चलिए जीन्स भी पहन के देखते हैं कैसा लगता है। ये आप जीन्स पे पहन सकते हो, ये देखिए अच्छा लग रहा है कितना। इसकी कमर थोड़ी मैंने लूज़ बनाई है क्योंकि ये फैब्रिक ऐसे पकड़ो, ये देखिए हल्की सी कमर ये लूज़ है, हल्की सी, इसलिए मैंने लूज़ बनाया है। ये फैब्रिक क्या होता है, रियन होता है, तो धुलने पर थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अभी ये प्रेस नहीं, प्रेस होने के बाद और अच्छा हो जाएगा। तो इसका बैक ये देखिए, तो कुछ ऐसा बना हुआ है। इस पर कमर पे हम बेल्ट भी लगा सकते हैं, तो बाद में देखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ढेर सारा प्यार दें। तो प्लीज़ इस ड्रेस के लिए एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अभी के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, बाय।